नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया है। अभिनंदन कर रहे हैं उन शहीदों की, उनकी शहादत का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय अभी तक किया जा चुका है। हमने पीएससी और आईआरबी के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय किया है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एसटीआरएफ की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही हमने जवानों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके साथ ही पीपीएस के ढांचे में 11 नए पदों का भी सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस दिशा में सरकार ने उपनिरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज के इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के कल्याण के लिए में जो कुछ काम आगामी समय में हम करने वाले हैं, उनको आपके समक्ष घोषणा के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जो लंबे समय से मांग है, और पिछले वर्ष भी मैंने उसमें जो एक धनराशि की बात करी थी, उसकी काफ़ी धनराशि, एक तिहाई धनराशि अभी तक शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों की वर्दी भत्ते में भी 3,500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसटीआरएफ कर्मियों के लिए उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों से ये अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के जो कार्यक्रम हैं, वह भी समय समय पर आयोजित करने चाहिए। कई बार पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन और समर्थन प्रदान करना, उनका प्रोत्साहन करना हम सभी का कर्तव्य है। अंत में मैं पुनः सभी हमारे बलिदान हुए पुलिस कर्मियों को, जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों और सपनों को साकार करने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जहां पार्टी के सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की
खुशी जाहिर की है, तो वहीं ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कहा है कि आम आदमी का इससे कोई फायदा नहीं है, कोई योगदान भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और कोचिंग सेंटरों में जाकर सदस्यता अभियान को पूरा करने का काम कर रही है। सदस्यता अभियान के दौरान तो उनके विधायक को सदस्य बनाने तक में दिक्कतें आ रही हैं। भाजपा की सदस्यता अभियान में इतनी उदासीनता क्यों है? आपने देखा होगा उनके विधायकों को लाले पड़ गए थे सदस्यता अभियान चलाने, जो उनका निर्धारित कोटा था। आज भी जो बूथ के लिए निर्धारित कोटा था वहां पर उनको सदस्य बनने के लिए आदमी नहीं मिल रहा, मेंबर नहीं मिल रहा। ठीक है, उनकी सरकार है, तमाम जगह के जाके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्कूलों में जाके, जो सरस्वती शिशु मंदिर है उन पर जाकर, विद्या मंदिरों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर आपने अपनी सदस्यता अभियान को बढ़ाने का काम किया। आम आदमी का, भारतीय जनता। महिला कल्याण बाल विकास विभाग के निदेशक और अपर सचिव प्रशांत आर्य को अब खेल और युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद उनकी ओर से सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर मुख्य रूप से काम किए जाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक तरह से बहुत बड़ा इवेंट है जो कई सालों में काफी प्रयासों से राज्य को मिला है। जनवरी में इसका प्रस्तावित है तिथि, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली सारी थिंग्स आर मूविंग ऑन, टीम्स बनी है, कमिटीज बनी है, आउटसोर्स पे हमने हायर करी है, सर्विसेज हायर करी है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हाँ, ये है कि कुछ तैयारियां जो फील्ड पे है उसके लिए हमें गति अपनी बढ़ानी है, उस पर भी डे टू डे सुबह शाम मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैंने ज्वाइन करा है और जैसे आपने कहा कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है, तो एक राज्य के लिए एक अच्छा काम है जिसको हमें बेहतर तरीके से करके अन्य आने वाले आके जो नेशनल गेम्स होंगे उसके लिए भी एक मॉडल बनाना है। हरिद्वार के भाद्रवाद क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इससे पहले कहासुनी हुई और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण समझौते के लिए पुलिस तैयार कर रही है। भादरवाद में एक मस्जिद को लेकर आपस में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा चल रहा है और इससे ये हम लोगों के संज्ञान में भी है। इसमें प्रॉपर कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस पर पूरी नज़र रखी जा रही है और कल भी इसको लेके उनके बीच में विवाद हुआ है और ये हमारे संज्ञान में है। इसमें उचित जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी और दोनों पक्षों को बुला के। गदरपुर के सदलीगंज गांव में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है और जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई महिला डॉक्टर और ना ही किसी तरह की इमरजेंसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लेटेस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। दोनों स्वस्थ होने के बाद इन्होंने कहा कि जी बच्चे की हल्की सी धड़कन कम है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर के जो साथी थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन करो, हमें तो दोनों चीज़ें सही चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल, निजी अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन इसका कर देंगे और दोनों सही हो जाएंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी एक लापरवाही करी और ना तो किसी को वहाँ जाने दिया, ना बच्चे को देखने दिया, ना जच्चा को देखने दिया। और अंदर हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें जाने दो या हमें कुछ बताओ, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और उसके बाद जो है कहा जी आपका मरीज़ यहाँ से ले जाना पड़ेगा, बच्चा आपका डेड हो गया। जच्चा बच्चा की मृत्यु जो हुई है ये एक हॉस्पिटल है गदरपुर में, सारा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल खोल रखा है जिसमें ना ही डॉक्टर हैं, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मशीनरी है और ना ही कोई ऑपरेशन की सुविधा है। इन लोगों ने फर्जी अस्पताल खोल रखा है जिसमें कि
जो हमारे गांव से पेशेंट गए, इन लोगों को फंसाकर वहां जबरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। जबकि जांच रिपोर्टें कराई गई थी, जांच रिपोर्टें सभी नॉर्मल थी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किया और जच्चा बच्चा की मृत्यु इनके गलत ऑपरेशन। रुड़की के कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में खनन कारोबारी के बेटे पर तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि खनन कारोबारी के बेटे ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान एक राहगीर युवक को गोली लग गई जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास, बरीस नाम का, लंडोरा का रहने वाला है। नगला मूर्ति में सुना है कि गोली लगी है, अभी प्राथमिक उपचार देके उसको हमने रेफर कर दिया। क्या स्थिति है सर पेशेंट की? अभी गंभीर है स्थिति, इसलिए हमने शॉट के द्वारा है, प्राइवेट गाड़ी से है, खुद ही ले गए थे उसके परिजन। अभी एक शॉट से तो नहीं, पीआई हमने थाने में भेज दी। उत्तराखंड की मॉडल और अभिनेत्री दृष्टि जैन से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। बता दें कि दृष्टि जैन हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू कर चुकी हैं। पेशे से दृष्टि जैन आर्किटेक्ट हैं और कई सालों से दृष्टि जैन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में भी कार्यरत हैं। दृष्टि जैन ने नौकरी के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए खूब मेहनत की है। विकी विद्या की वो वाली वीडियो से डेब्यू कर चुकी दृष्टि जैन आज हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत धन्यवाद। तो कितना मुश्किल रहा ये सफ़र और क्या माने कि क्या पहले से ही एक्टिंग का कीड़ा भी था? नहीं, पहले से कुछ नहीं था। एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे प्रमोट करा, या ये कह दीजिए कि मुझे बहुत मोटिवेट करा कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। एंड जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आपके आचार विचार, आपका पर्सनालिटी है, अगर आप इस फील्ड में भी अपना कुछ आगे कर सकते हैं तो आप ज़रूर डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो मुझे जब ये सब चीज़ें सुनने को मिलती थी तो पहले तो मैं थोड़ा सा मजाक में ले लेती थी इन सब चीज़ों का ना। फिर मुझे जब एक मौका मिला किसी एक फैशन वीक में परफॉर्म करने का, तो आई डिड इट एंड मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। तो जब मज़ा आया तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली फील्ड को भी हम साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आगे बहुत मेहनत करी, प्रयास करी, अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप करा इस फील्ड के अकॉर्डिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड के अकॉर्डिंग, एंड आई गॉट द चांस। फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा आपको, क्या बताना चाहेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी? फैमिली का शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा है। कभी भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर ने मुझे ये नहीं कहा कि ये काम मत करो, उन्होंने कहा ये काम करो, हम पूरी तौर पर तुम्हारे साथ हैं। एंड कभी भी कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना, तो कभी भी घबराना मत, कभी भी आप किसी से डरना मत, आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो आपको करना है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वो बहुत बड़ी आत्मविश्वास उससे बहुत जागता है किसी भी बच्चे का, जब उसके घर वाले उसको इतना सपोर्ट करते हैं। जी, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से आपने डेब्यू किया, किस तरह की फिल्म भी आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी फिल्म भी है, और ऐसे में राजकुमार राव का कितना सपोर्ट भी आपको मिला क्योंकि न्यू कमर थे आप तो, और किस तरह से सपोर्ट करते हैं वो लोग? ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, एक मैसेज है अगर आप देखेंगे इस फिल्म को। आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत कम बॉलीवुड फिल्म्स ऐसी हैं जिसमें कुछ मैसेज भी मिल रहा है। तो इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक पारिवारिक मैसेज देती है। उसमें भी यही है कि अगर कुछ चीज़ हो जाती है तो अपनी फैमिली से ना छुपाएं, उसमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से बयां की गई है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आप मूवी देख के इसको देखिएगा। एंड बात रही राजकुमार राव जी की, उनका बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म थी, मेरा फर्स्ट डेब्यू था। तो जब हम ग्रीन रूम में बैठे थे या जब वो फर्स्ट टाइम एंटर करे, तो मैं पूरा तैयार होके बैठी थी गेटअप में, एंड द वे ही स्माइल्ड फर्स्ट इंस्टेंस में, और उसके बाद जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही, क्योंकि मेरा फर्स्ट सीन ही उनके साथ था 1-to-1, तो उनका जो एक जेनरस बिहेवियर, एक बहुत ही मतलब जिसे बोलती हम्बल बिहेवियर, मतलब जेम ऑफ द पर्सन आई मस्ट से दिस। एंड उसके अलावा जितने भी बाकी कलाकार थे, मुकेश तिवारी जी थे, राकेश बेदी जी थे, टीकू जी थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सब लोग इतने सीनियर कलाकार, और सब लोगों ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया पीछे ग्रीन रूम में कि मैं एक न्यू कमर हूँ और वो लोग इतने दिग्गज और एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं। दे ऑल आर मतलब सो जेनरस, जब वो बात कर रहे थे, वो जिस तरह से मुझे कंफर्टेबल कर रहे थे, तो शायद वो एक स्क्रीन पे भी दिखता है।
जैसे कि पूरी मूवी भी ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो ऋषिकेश में ही शूट हुए, किस तरह से देखते हैं क्योंकि आपका होम टाउन भी है और ऐसे में होम टाउन में ही शूटिंग होना कितना आपके लिए आसान भी रहा फिर ये वाला सफर? ये सफ़र मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा इजी इसलिए भी हो गया क्योंकि ऑब्वियसली आप देहरादून से हैं, ऋषिकेश में इसकी शूटिंग थी तो मेरे लिए काम के साथ साथ इसको मैनेज करना बहुत इजी हो गया। अगर ये किसी और शहर में या कहीं पर होती है तो शायद मुझे काम को उस टाइम पीरियड के लिए शायद स्किप करना पड़ता या अपना कुछ टाइम के लिए काम को बीच में ब्रेक देना पड़ता जितने भी दिन शूटिंग चली। पर चूँकि ये शूटिंग सिर्फ ऋषिकेश में ही थी, ये बहुत कम डिस्टेंस है देहरादून ऋषिकेश का हमारी अच्छी रोड्स की वजह से प्रदेश की, तो इस वजह से मुझे बहुत इजी हो गया मैनेज करना अपने काम के साथ साथ अपने इस पैशन को भी। जी अच्छा, रोल मॉडल्स की बात करें तो किस तरह के आपके कौन कौन रोल मॉडल्स भी रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया आर्किटेक्चर से एक्टर बनने तक का आपका सफ़र रहा है, तो ऐसे में कौन आपके रोल मॉडल रहे हैं और किन से आप क्या कुछ सीखते हैं? मेरी रोल मॉडल अगर इंडस्ट्री में बात करूँ तो दो रोल मॉडल्स मेरी रही हैं और जो आज भी हैं, एक सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय बच्चन जी। दोनों अपने आप में बहुत उम्दा कलाकार के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन हैं। अगर आप कभी भी वो देखेंगे आप कोई भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखाई देंगी, अपनी फैमिली पर्सन भी हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं। अंदर बोथ फीमेल्स जिस तरह से और लोगों से बात करती हैं और लोगों से इंट्रैक्ट करती है, इवन मीडिया पीपल से भी जब वो क्वेश्चन आंसर्स का कुछ आंसर देती है तो शी इज़ वेरी मतलब हम्बल, उनका बात करने के उससे ऐसा लगता है कि उनको देखते रहें बस। तो मुझे भी लगता है कि हाँ उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, उन लोगों से कुछ चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं कि कैसे हम स्क्रीन को फेस करें, कैसे अपने टैलेंट के साथ साथ लोगों के दिलों में भी जगह बनाएं। उत्तराखंड सरकार का किस तरह का आप रोल भी देखते हैं क्योंकि फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि कलाकारों के लिए फ्रेंडली प्रदेश ये रहेगा उत्तराखंड, तो क्या मान रहे हैं, कितना योगदान भी मान रहे हैं आपकी सरकार का है इसमें यूथ्स के लिए ताकि हमारे यूथ्स भी क्योंकि बढ़ चढ़ करके बॉलीवुड में जाना चाहते हैं? देखिए सरकार का इसमें मैं कहूँगी बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अगर सरकार ये सब्सिडी वाला नहीं शुरू करती, फिल्म्स को इतना प्रमोट नहीं करती तो हम लोग को शायद इतनी फिल्म्स यहाँ पे शूट नहीं होती और हम लोग को इतना मौका नहीं मिल पाता, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान मैं सरकार का भी मानती हूँ इस चीज़ में। वो फिल्म्स को सब्सिडीज़ दे रही हैं तो बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं जो प्रोडक्शंस हाउस हैं वो चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में, एंड एनी हाउ ऊपर वाले की कृपा से उत्तराखंड अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है, तो इसमें लोग ऐसे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपको सिनेरियो भी बहुत अच्छा मिले, बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिलता है, बैकड्रॉप्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जगह बहुत अच्छी है, ऊपर से आपको सब्सिडी भी मिल रही है, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। जी उत्तराखंड के यूथ्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि वो भी बॉलीवुड में आए, वो भी आकर मूवीज़ में काम करें, एक्टिंग का कीड़ा रहता है उत्तराखंड के लोगों में भी, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए ये कहूँगी कि वो मेहनत करते रहें और अपनी जो भी उनका पैशन है उसको फॉलो करें, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो या कोई भी अदर करियर हो। जैसे मैं भी एक आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से आई हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हैं तो वो घर की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ आप इसको भी कर सकते हैं। हाँ जिम्मेदारी अपनी पूरी निभाएं, अपना घर का काम आप पूरे तौर पे करें, उसके साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करें और अपना जो भी काम आप करें वो दिल से ईमानदारी से करें तो मुझे लगता है आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एक्टर्स की लाइफ को किस तरह से भी देखते हैं आप, किस तरह से डिस्क्राइब भी करें, कितना टफ भी होता है क्योंकि पब्लिक को भी मेंटेन करना और साथ ही अपनी एक्टिंग स्किल्स को भी, किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ अब आगे भी सीख रहे हैं आप? मैं कोशिश करती हूँ अपनी एक्टिंग स्किल्स को करना, मेरे मैं एक बात मानती हूँ कि अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको सारे नौरस जो होते हैं एक एक्टिंग के वो आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। आपको सैडनेस भी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपको श्रृंगार रस भी मिलेगा, तो आपको सारे रस वो अपने अंदर ही मिलेंगे। हाँ बजाय इसके कि आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट करें, जो कि आजकल हम रील्स पे बहुत ज़्यादा करते हैं या हम पार्टी कर लेते हैं, तो पार्टी करें पर सक्सेस के बाद करें। रील्स तो आप भी बनाती हैं, तो किस तरह से अब आप युवाओं को मोटिवेट भी करेंगे और आगे आने वाले समय में क्या माने कि किस तरह की चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट भी दिखेगा हम लोगों को और मूवीज़ में? मूवीज़ के लिए मेरी कुछ मूवीज़ के लिए आगे प्रोजेक्ट्स के लिए बात भी चल रही है। आई एम होपिंग कि मुझे जल्द से जल्द कोई और अच्छा बेटर रोल मिले कि जिससे मैं अपना और अपनी जो प्रतिभा है और ज़्यादा लोगों को दिखा पाऊँ उसके थ्रू। अच्छा नेपोटिज्म की बात अक्सर आती है जब बॉलीवुड में जाते हैं, लेकिन आपका तो कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं रहा, तो क्या आपको भी लगता है कि नेपोटिज्म है?
देखिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकती होंगी, मैं अभी उतना डीपली शायद नहीं गई हूँ, शायद मुझे नहीं पता है, बट मैं एक चीज़ मानती हूँ और उस चीज़ पे विश्वास भी रखती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपको ज़रूर वो एक ना एक दिन मिलेगी। अब ऐसे में आर्किटेक्चर्स के वाली लाइफ को और एक्टर्स की लाइफ को कैसे मैनेज भी कर रहे हैं आप? बहुत टिपिकल हो जाता है, समटाइम्स रेस्टलेस नाइट्स हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि दिन भर मैं काम करती हूँ और रात में मुझे शूटिंग पे जाना पड़ता है या रात में मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम होता है शूटिंग का, तो वो थोड़ा सा देखिए हार्डवर्क तो करना पड़ता है। जी सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हॉर्नबिल पर आपने अपनी बात रखी। आज दृष्टि जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह का उनका सफ़र भी रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।